नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रकृति हमारी सृजनहार है, इसलिए हम जितने भी आदिवासी हैं अटूट विश्वास के साथ प्रकृति पूजक होते हैं। हमने प्रकृति को धर्म से जोड़ा है। मेरी पहली पुस्तक मतई को भी मैंने सबसे पहले प्रकृति को ही भेंट की थी। ये बात राजस्थान साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता घोघरा ने रविवार को श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय परिसर में राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के बैनर तले आदिवासी विमर्श अवधारणा और चुनौतियां विषय पर आयोजित परिचर्चा में कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए फोरम के संस्थापक वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार अनिल सक्सेना ने कहा कि पिछले कई दशकों के मुकाबले में आज आदिवासी समाज में बहुत परिवर्तन आए हैं। इस समाज में शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, लेकिन आज भी कई मामलों में सुधार की जरूरत है। कार्यक्रम व्यवस्था संयोजक डॉक्टर रेखा खराड़ी ने स्वागत उद्बोधन देकर कार्यक्रम की विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार अनिल सक्सेना ने मंचासीन पत्रकार साहित्यकार और प्रबुद्ध जनों से आदिवासी विमर्श को लेकर सवाल कर उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कोठारी, अमित चेचाणी, संदीप माली, गिरीश पालीवाल, प्रवीण सिंह कोठारी सहित डूंगरपुर जिले के पत्रकारगण, साहित्यकार और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे।